तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके फ़ोन में जो कीबोर्ड होता है उसके लेटर आप चेंज हो गए हैं तो उसको आप कैसे ठीक करोगे। इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आप उसको कैसे ठीक करने वाले हैं। भले दोस्तों एक्स से वाई बदला हो या फिर आपका ए टू जेड कोई भी अक्षर चेंज हुआ हो, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा और आप उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, नहीं तो आप एक भी स्टेप अगर आप मिस करते हैं तो आपको प्रॉब्लम फिर से देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैं देख सकता हूँ, मैं आपको अपना कीबोर्ड दिखा देता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने सर्च पर क्लिक किया तो हमारा कीबोर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर वाई आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर जेड है और नीचे वाई आ चुका है। और अगर आपका दूसरा कोई है तो इसमें आप देख सकते हो ए उधर चला गया है, क्यू नीचे आ चुका है, डब्ल्यू एक्स सब कुछ चेंज हो चुका है इस कीबोर्ड में। तो अगर इसमें दोनों में या फिर कहीं पर भी और कुछ इसके अलावा भी चेंज है तब भी आप बड़े आराम से ठीक कर सकते हो। कुछ कीबोर्ड में यहाँ पर जो कामा है वो भी दोस्तों ऊपर चेंज हो जाते हैं और इन लेटर की जगह और भी वर्ड आ जाते हैं, यानी कि जो फुल स्टॉप होता है ये भी ऊपर चला जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पर आगे आपको स्टेप बता रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा, इसमें आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ए जेड वाला जो कीबोर्ड है उल्टा वाला, ये भी हमारे पास है, तो इसको मैं आपको ठीक करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं विजिट पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ से आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आपको यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर से ये कीबोर्ड सेटिंग नहीं मिलती तो आप सेटिंग्स पर क्लिक करके भी उसको ढूंढ सकते हो। सेटिंग में जाके आपको ऊपर यहाँ पर कीबोर्ड सेटिंग सर्च करना होगा। मैंने यहाँ पर कीबोर्ड चेंज किया है दिखाने के लिए, तो इसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड पर क्लिक करना है, उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको जी बोर्ड वाला जो सेक्शन दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश यूएस जो भी लिखा होगा आपको इसी वाले पर क्लिक करना है, या तो इंग्लिश इंडिया या तो इंग्लिश यूएस। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो वो ढेर सारे कीबोर्ड मिलेंगे, तो आपको इसमें अच्छा वाला जो सही वाला है उसको आप कीबोर्ड को देख सकते हो, या फिर केवर्टी जो लिखा होता है उसको आपको लगाना है। यहाँ पर बहुत सारे गलत कीबोर्ड हैं पर हमको यहाँ पर जो फर्स्ट वाला इसी को लगाना है। और मेरा यहाँ पर जो ए से स्टार्ट ये मेरा लग चुका था। अब आपको केवर्टी पर क्लिक करना है, फिर आपको नीचे वन सिलेक्टेड लिखा हुआ यानी सिर्फ इसी को टिक करना है, बाकी कोई भी और को दो को नहीं करना है, सिर्फ इसी को करके आपको नीचे डन का ऑप्शन मिलेगा। बस दोस्तों आपको नीचे डन कर देना होगा। अब दोस्तों आपको वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो आपको बाद में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर मैं चेक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारा कीबोर्ड जो अभी नहीं चेंज हुआ, लेकिन कुछ लोगों का यहीं पर ही चेंज हो जाएगा। तो आपको लॉन्ग प्रेस करना है इंग्लिश वाले बटन पर जो नीचे होता है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपको केवर्टी वाला जो कीबोर्ड वो लगा लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमने केवर्टी वाला लगा लिया, अब हमारा जो कीबोर्ड वो सही हो चुका है। अब यहाँ पर आपको वाई दिख रहा होगा क्योंकि मैंने केवर्ट जेड वाला जिसमें आखिरी में जेड होता है उसको मैंने लगा दिया था। तो इन दोनों को मुझे हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये बाद में फिर से लग जाएंगे। अब आपको फिर से उसी सेटिंग्स में चले जाना जैसे कि कीबोर्ड में आप गए थे। तो इसके बाद आपको लैंग्वेज पर क्लिक करना है। यहाँ से आप देख सकते हो मुझे नीचे दोनों को हटाना, तो ऊपर आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा पेंसिल वाला, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो इन दोनों को आपको चूज कर लेना है। फिर उसी पर आपको डिलीट बटन पर क्लिक कर देना, तो ये दोनों डिलीट हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर जो ऑप्शन वो नहीं आएगा और आप ही बड़े आराम से एक कीबोर्ड चला सकते हो, आपका चेंज होने वाला नहीं है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप बड़े आराम से जो अपना कीबोर्ड उसको चेंज करके फिक्स कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।